मैं डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ और एनवायरमेंटलिस्ट भी हूँ। आज आप कई टॉपिक्स पर आप मेरे यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं। आज मैं एक अलग विषय लेके आ रहा हूँ। आज वो विषय है लेमुरिया द्वीप, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, चाहे आप लोग भी जानते भी होंगे तो उतनी डिटेल जानकारी अभी भी नहीं है। ये लेमुरिया द्वीप क्या था? आज जिस तरीके से भविष्यवाणी जो हो रही है धरती पर कि आने वाले समय में सी लेवल राइज होगा, आपके बहुत से जो भारत के कोस्टल जो एरियाज हैं वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, विश्व के और भी छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं वो आपके समुद्र के नीचे चले जाएंगे, तो क्या ये पहले भी हुआ था? उसी तरीके से जैसे आप देखिएगा, अभी न्यूज वगैरह आता है कि द्वारिका समुद्र के नीचे दिखी है, और वहां लोग आज भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं द्वारिका के बारे में, जो श्री कृष्ण की नगरी थी गुजरात के पास। तो इस तरह से बहुत सारे समाचार मिलते रहते हैं। तो लेमुरिया, जिसकी बारे में मैं बात करूंगा, और दूसरे महाद्वीप के बारे में, तो लेमुरिया भी एक महाद्वीप था जिसको मान्यता ये थी कि वो हमारे समुद्र के नीचे आज जो है डूब चुका है, और बहुत सारी मानव सभ्यता वहां फली फूली थी। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सी लेवल राइज होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो उसमें इस तरह द्वीपों के गायब होने की, चाहे शोध होने की, चाहे इंफॉर्मेशन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका बनता जा रहा है। तो ये जो है, जो टॉपिक है हमारा, क्या है समुद्र के नीचे लेमुरिया महाद्वीप का रहस्य? क्या बदलते तापमान ने इन्हें डुबाया? इसी तरीके से जो टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जिस तरह वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर कई विनाशकारी बदलाव होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसी तरह प्राचीन काल में एक बार ऐसा हो चुका है जिसके चलते लेमुरिया और मू नाम के दो महाद्वीप जलमग्न हो चुके थे। ये अभी तक जो है हाइपोथेसिस पे बात हो रही है, लेकिन ये बात है कि कुछ घटनाएं ऐसी जरूर हुई थी उस वक्त, लेकिन अभी इस पर जब तक कि साइंटिफिक रिसर्च नहीं आ जाता है, पुख्ता कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये मान्यता है कि ये दो द्वीप जो थी समुद्र के नीचे समा गई। हालांकि वैज्ञानिक इस पर अभी भी शोध ही कर रहे हैं, किंतु विश्व के खोजकर्ताओं का दावा है कि इन दोनों महाद्वीपों पर सभ्यता काफी विकसित थी। कुछ खोजकर्ताओं, जिनमें प्रमुख थे फिलिप स्कॉल्टर, का यह भी कहना था कि मनुष्य की उत्पत्ति इन्हीं महाद्वीपों पर हुई थी। ये दोनों महाद्वीप किसी भूवैज्ञानिक हलचल की वजह से समुद्र के भीतर समा गए। अब सवाल उठता है कि इसकी जानकारी और हमें कहाँ कहाँ मिलती है। तो तमिल लेखों के अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर हिंद महासागर में स्थित कुमारी कंदम नामक द्वीप में हुआ था। हालांकि कुमारी कंदम या लुमेरिया को हिंद महासागर में विलुप्त हो चुकी काल्पनिक सभ्यता कहा जाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लेखक ने तो इसे रावण की लंका के नाम से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला राम सेतु भी इसी महाद्वीप में पड़ता है। तो आइए पहले कुछ हम लोग लेमुरिया द्वीप के कुछ दृश्यों को देखें, तो आपको समझ में आएगा कुमारी कंदम वगैरह जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं क्या है उसके बाद, और मैं आपसे डिटेल में आपसे बात करूंगा। ये एक आप देख रहे होंगे नक्शा, लेमुरिया का भारत के ठीक दक्षिण भाग में अफ्रीका की तरफ जुटता हुआ ये बनाया हुआ है। देखिए आप, लेमुरिया साउथ इंडिया, कुमारी कंदम आपका लिखा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। और ये कुछ कुछ जो है अपना कल्पना के उस पे कुछ लोगों ने इसको पेंटिंग किया है, लेमुरिया के कल्चर के, कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, समुद्र के नीचे का अवशेष लोगों ने, कुछ पेंटर और कुछ लोगों ने हाइपोथेसिस एक पेंटिंग किया इन्होंने। और ये सब समुद्र के नीचे जो है वो एक कल्पना कि उसमें था, ये एक इमेजिनेशन महल लेमुरिया का लोगों ने बनाया है। आपने कुछ दृश्यों को देखा, कुछ चित्रों को देखा जो कल्पना के आधार पर बनाया गया है, ये सारे जो सीन सी पिक्चर्स आपने देखा है। तो आइए हम लोग चलते हैं फिर कुछ आगे की तरफ, लेमुरिया द्वीप की सैर पर निकलते हैं और देखिए और क्या क्या हमें मिलता है लेमुरिया के बारे में जानने के लिए, लेमुरिया के रहस्यों को जानने के लिए। ये कितना सही है कितना गलत है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल लेमुरिया के इतिहास को और भी डिटेल में जानते हैं। आइए इस सफर पे फिर निकलते हैं हम लोग। देखिए, जब से पृथ्वी बनी है तब से विनाश के कई चरण हुए हैं, तथा कई प्रजातियां विलुप्त हुई तथा नई आई भी हैं। विश्व की सभी जातियों एवं धर्मों में प्राचीन महाप्रलय का उल्लेख मिलता है। केवल धर्मी नहीं, भूवैज्ञानिक साक्ष्य भी पृथ्वी पर कई प्राचीन विनाशकारी हलचलों को दर्शाते हैं, चाहे वह भूकंप के रूप में हो, या ज्वालामुखी के रूप में हो, या ग्लोबल वार्मिंग या हिमयुग के रूप में हो।
आदिम जनजातियों में भी जल प्रलय का उल्लेख कहानियों के रूप में हुआ है। इसी क्रम में इस महाद्वीप का उल्लेख भी प्राचीन तमिल साहित्य में पाया जाता है। तमिल इतिहासकारों के अनुसार इस द्वीप का नाम कुमारी कंदम था। कुमारी कंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी जाना जाता है। और तमिल शोधकर्ताओं और विद्वानों के एक वर्ग ने तमिल और संस्कृत साहित्य के आधार पर समुद्र में खो चुकी इस भूमि को पांडियन महापुरुषों के साथ जोड़ा है। तमिल पुनर्जागरणवादियों के अनुसार कुमारी कंदम ने पांडियन राजा का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन था। दक्षिण भारत के लोक गीतों में इतिहास के साथ इस खो चुकी इस सभ्यता का वर्णन मिलता है। नतीजन जब इसके बारे में जानकारी देने वाले खोजकर्ता भारत के नगरों में पहुंचे तब इस लोक गीत और कथा को बल मिला। तमिल लेखकों के अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर हिंद महासागर स्थित कुमारी कंदम नामक द्वीप में हुआ था। हालांकि कुमारी कंदम या लोमेरिया को हिंद महासागर में विलुप्त हो चुकी काल्पनिक सभ्यता कहा जाता है, कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका के नाम जैसा हमने पहले भी कहा जोड़ते हैं। तमिल साहित्य के अनुसार भारतीय उप महाद्वीप में कुमारी कंदम नाम की एक तमिल सभ्यता थी जो कि अब हिंद महासागर में विलुप्त हो चुकी है। इस महाद्वीप को लेमुरिया नाम इंग्लिश भूगोलवेत्ता फिलिप स्कॉल्टर ने 19वीं सदी में दिया। 1903 में वीजी सूर्य कुमार ने इसे सर्वप्रथम कुमारी नाडु या कुमारी नाडु बोलते हैं या कुमारी क्षेत्र का नाम दिया था। कहा जाता है कि कुमारी कंदम ही रावण देश के लंका का विस्तृत स्वरूप है जो वर्तमान भारत में से भी बड़ा था। हिंद महासागर में एक बहुत बड़े महाद्वीप की संभावना को सबसे पहले ब्रिटिश भूगोलवेत्ता फिलिप स्कॉल्टर जैसा हमने कहा उसी ने बताया था। और उन्होंने क्या कहा था, फिलिप स्कॉल्टर नाम कहां से आया, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने मेडागास्कर और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में वानरों के जीवाश्मों लेमुर फॉसिल्स के मिलने पर यहां एक नई सभ्यता होने का अंदेशा व्यक्त किया था। उन्होंने इसे लेमुरिया नाम दिया था और उन्होंने इस विषय पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था मैमल्स ऑफ मेडागास्कर था जो कि 1864 में प्रकाशित हुई थी, मैंने काफी पुरानी। भूगोलवेत्ता ज्योग्राफर जो थे A.R. वासुदेवन के उन्नत अध्ययन के अनुसार भूगोलवेत्त जो हमने कहा अनुसार मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर कुमारी हिंद महासागर के कुमारी द्वीप पर हुआ था। ये दूसरे भूगोलवेत्ता आप कह रहे हैं, उनका नाम था A.R. वासुदेवन। उनके अध्ययन कहते हैं कि आज से 14,000 साल पहले जब कुमारी कंदम जलमग्न हो गया तो लोग यहां से पलायन कर अफ्रीका यूरोप चीन सहित पूरे विश्व में फैल गए और कई नई सभ्यताओं को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि हिमयुग के अंतिम सालों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया था जिसके कारण ग्लेशियर्स का पिघलना शुरू हुआ और समुद्र का जल स्तर बहुत बढ़ गया और अंततः यह सभ्यता पानी में डूब गई। आज सारे विश्व के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि आने वाले समय में पृथ्वी पर कई विनाशकारी बदलाव होंगे। कारण है ग्लोबल वार्मिंग, कई छोटे महाद्वीप जो हैं चाहे द्वीप समुद्र में समा जाएंगे, कहीं सूखे की मार होगी तो कहीं अतिवृष्टि, कई नई जगह भूकंप प्रभावित होंगे जो पहले नहीं थे, यानी विनाश का एक नया रूप सामने आएगा। विनाश अगर होगा भी तो अचानक नहीं होगा, विनाश की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है जैसे पहले हुई थी। जब से पृथ्वी बनी है विनाश के कई चरण हुए हैं जब कई प्रजातियां विलुप्त हुई थी तथा नई आई हैं। विश्व के सभी जाति एवं धर्मों के प्राचीन महाप्रलय का उल्लेख मिलता है। केवल धर्म ही नहीं वो वैज्ञानिक साक्ष भी पृथ्वी पर कई प्राचीन विनाशकारी हलचल को दर्शाता है, चाहे वो भूकंप के रूप में हो या ज्वालामुखी में हो। यहाँ तक कि सभी आदिम जनजातियों में भी जल महाप्रलय का उल्लेख कहानियों के रूप में हुआ है। इसी क्रम में दो महाद्वीपों का नाम उभर के आता है, जैसे हमने कहा एक लेमुरिया एक मू आइलैंड। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक रोचक तथ्य सामने उभर के आया है कि हम लोग की आगे की पीढ़ी शायद फिर लेमुरिया द्वीप पर वास करे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। खोजकर्ताओं का मानना है कि जिस तरीके से लेमुरिया द्वीप समुद्र के अंदर समा गया शायद भविष्य में किसी प्लेट टेक्टोनिक या किसी भूगर्भीय हलचल की वजह से ये द्वीप समुद्र से ऊपर आ जाए। एक और रोचक तथ्य सामने आया है कि लेमुरिया द्वीप के लोग काफी लंबे होते, उनके पास तीसरी आंख भी थी जो सर के पीछे होता था।
यही आंख आज मनुष्य में पीनियल नेत्र, पीनियल आई जिसको कहते के नाम से जाना जाता है, इसका अब कोई काम नहीं है, लेकिन इस पर अभी कोई खोज नहीं हुआ है। ऐसा माना जाता है कि लेमुरिया महाद्वीप हिंद महासागर के नीचे एवं मू महाद्वीप प्रशांत महासागर के नीचे समा गया। खोजकर्ताओं की माने तो मू महाद्वीप 50,000 वर्ष पहले तक था एवं लेमुरिया द्वीप की उत्पत्ति 1,00,000 साल पहले हुई थी। ऐसा लगता है जिस वक्त ये दोनों महाद्वीप समुद्र के नीचे समाये उस वक्त पृथ्वी का तापमान आज की तुलना में ज्यादा रहा होगा, जिसके चलते हिमनदों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर ऊंचा उठा एवं इन दोनों महाद्वीपों को धीरे धीरे अपने भीतर समा लिया। वैसे भी आज के बढ़ते तापमान की वजह से विश्व के कई छोटे द्वीप खतरे में आ गए हैं। तो जो हमने कहा इसमें एक और इंटरेस्टिंग आया जो कि भारत के झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ स्टेट से, इस पर अभी भी रिसर्च कोई खास पुख्ता नहीं है, लेकिन एक हाइपोथेसिस है, कोई पुख्ती जानकारी नहीं है, लेकिन इसका जिक्र आता है कि झारखंड का एक ट्राइब है मुंडा ट्राइब, इनके बारे में कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि झारखंड के मुंडाओं के मूल स्थान तथा उनकी आवर्जन मार्ग जो माइग्रेशन मार्ग था की खोज में लेमुरिया सिद्धांत का उल्लेख हुआ है। एसी रॉय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। श्री रॉय ने दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण भारत के बीच एक लेमुरिया द्वीप की कल्पना की है। एसी रॉय की किताब भी काफी यहाँ लोग पढ़ते भी हैं झारखंड में, जो अब जलमग्न हो चुका है। उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि मुंडा जाति लेमुरिया द्वीप से होते हुए भारत आई थी। इस प्रसंग में दक्षिण अफ्रीका के मेडागास्कर का नाम उल्लेखित हुआ है। इस मत के अनुसार मुंडाओं का मूल स्थान मेडागास्कर है और भारत आवर्जन लेमुरिया द्वीप से होते हुए हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रिसर्च है, लेकिन अभी इसका बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी अभी नहीं मिली है। बहुत लोग रिसर्च अभी भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए कि और हमें विस्तृत जानकारी इसकी मिल सके। कि अब सवाल ये उठता कि अगर ये दोनों महाद्वीप थे तब ये समुद्र में कैसे समा गए? क्या समुद्र के बढ़ते जल स्तर ने इनको अंदर समा लिया या किसी भूवैज्ञानिक हलचल के चलते ये महासागर के अंदर चले गए? अभी भी इस पर खोज जारी है। सवाल लेमुरिया और मू का नहीं है, सवाल यह है कि अगर पृथ्वी का तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो आने वाले समय में कोई दूसरा लेमुरिया या मू जैसी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि मेरा ये जो पेपर था जो मैंने आपके सामने रिसर्च पेपर ऑब्जेक्ट जो हमने कंपाइल किया है सब जगह से जो मैंने आपके सामने रखा है, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की रोचक जानकारियां मैं देता रहूंगा। कुछ और भी चीज़ों के बारे में आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलता रहेगा। आज तो मैंने लेमुरिया और मू के बारे में कहा, कुछ कल कुछ और इंटरेस्टिंग जियोलॉजिकल एस्पेक्ट या कुछ खोई हुई चीज़ों के बारे में, कुछ पुराने भौगोलिक चाहे भूवैज्ञानिक साक्ष्यों के बारे में फिर डिटेल लेके आऊंगा, बदलते जलवायु पर लेके आऊंगा। तो ये लेमुरिया का आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि इन सब चीजों की जानकारी जब तक विज्ञान नहीं मानता है हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि जहां तक आपकी नजरें देखती है क्या वही सत्य है, क्या उसके आगे कुछ नहीं है? उसके आगे भी बहुत कुछ है। जहाँ सिर्फ नजर मेरी जाती है वहीं तक नहीं है, जहाँ सिर्फ रोशनी है वहीं तक दुनिया नहीं है, उसके पीछे के अंधेरे की भी एक दुनिया है जिसके बारे में वैज्ञानिक खोज होने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना पेशेंसली इतने ध्यान से आपने पूरे लेमुरिया द्वीप के बारे में सुना, जानकारी ली आपने मुझसे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।